friends, and I hope that you all are doing good. Welcome to your history class, chapter 2 on the trade of the earliest people. So, as the title suggests, early people. So, in this chapter, we will study about the early people, how they used to live, how they used to spend their life, and how we come to know about the early people. और हमें कैसे पता चला early people के बारे में, right? So, before starting on, ठीक है, तो हम एक सबसे पहले एक टाइमलाइन के थ्रू इसको समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 2020 यहाँ पे अभी हम हैं, और इस टाइमलाइन का जो एक पॉइंट रख लेते हैं हम जीरो, ठीक है, जीरो एक पॉइंट रख लेते हैं, और हम मानते हैं कि जो जीरो पॉइंट है यहाँ पे सेंटर में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे इस टाइम पे बीच में, ठीक है. तो जीसस क्राइस्ट के पहले की जो हिस्ट्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री या फिर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है. जो जीसस क्राइस्ट की पहले पैदा होने से पहले की जो हिस्ट्री है उसको एंशियंट हिस्ट्री, बिफोर क्राइस्ट भी बोला जाता है, बीसी. और ये जो हंटर गैदरर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये कितने साल पहले की बात है, आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले की ये बात चल रही है, ठीक है, आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले की ये बात चल रही. अब जो ये पीरियड था ये बहुत लंबा था, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. अब ये जो पीरियड था इसको स्टोन एज भी कहा जाता है, ये जो पीरियड था इसको हम और किस नेम से बोलते हैं, स्टोन एज, ठीक है, ये जो पीरियड था इसको हम स्टोन एज के नाम से भी कहते हैं. वाई, क्योंकि इस ये जो पीरियड था इस टाइम पे जो स्टोन था वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट टूल था, क्योंकि ये खाने के लिए भी स्टोन के टूल का यूज करते थे. अब इनको किसी को हंट करके खाना है तो हंट किससे करते थे, तब तो कोई टूल नहीं होते थे, तो ये स्टोन को घिस घिस के तोड़ तोड़ के उसके टूल्स बनाते थे, उसी का वो यूज करते थे. तो इस पीरियड को हम और किस नाम से जानते हैं, स्टोन एज, ठीक है. तो सबसे पहले है इसमें पैलियोलिथिक, तो सबसे पहला जो पीरियड था वो कौन सा था, पैलियोलिथिक, ठीक है, जो सबसे ओल्ड था पैलियोलिथिक. पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन. तो ओल्ड स्टोन एज, तो पैलियोलिथिक को हम क्या बोलेंगे, ओल्ड स्टोन एज. मेसोलिथिक, मेसो का मतलब क्या होता है, मिडल, जो मिडल वाला बीच वाला होता है, और लिथिक का मतलब मैंने आपको पहले बताया था स्टोन, तो जो मिडिल स्टोन एज होगी वो क्या होगी, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. नियो का मतलब न्यू, नया, और लिथिक का मतलब स्टोन, तो नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, ठीक है, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज एंड नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, राइट. तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये जो ए पीरियड था जो हंटर गैदरर्स थे वो आज से कितने साल पहले थे, 2 मिलियन ईयर्स पहले की, और इनको आप 20 लाख भी बोल सकते हो, ठीक है. ये जो हंटर गैदरर्स थे वो आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले थे, और ये जो पीरियड था बहुत लंबा था, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. और ये जो पीरियड था इसको स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो स्टोन था उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो स्टोन का डिस्कवर था वो पैलियोलिथिक. सबसे पहले स्टोन के बारे में कैसे पता चला, पैलियोलिथिक पीरियड में, जो कि सबसे पहला पीरियड है जो स्टार्ट हुआ था 2 मिलियन ईयर्स पहले, और ये कब तक चला था, 12,000 ईयर्स तक, ठीक है. ये जो पैलियोलिथिक पीरियड था ये 2 मिलियन, आज से 2 मिलियन पहले स्टार्ट हुआ था, और ये चला था 12,000 ईयर्स तक. उसके बाद मेसोलिथिक, मेसोलिथिक हुआ था आपका 12,000, जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद कौन सा स्टार्ट हो गया, मेसोलिथिक. मेसोलिथिक स्टार्ट हुआ था 12,000 ईयर्स पहले, और ये चला था 10,000 ईयर्स तक. उसके बाद है आपका नियोलिथिक, ये कब स्टार्ट हुआ था, 10,000 ईयर्स पहले, राइट. तो ये तो है आपकी लिटिल इंफॉर्मेशन, लिटिल इंट्रोडक्शन. अब जो सबसे पहले जो स्टोन के बारे में पता चला था हंटर गैदरर्स को, वो कौन से पीरियड में पता चला था, पैलियोलिथिक. तो उस टाइम के जो स्टोन के टूल्स थे वो कैसे हुआ करते थे, बड़े बड़े हुआ करते थे, और उनमें कोई शेप नहीं होती थी, बहुत मतलब ऐसे रफली स्टोन होते थे वो, ठीक है, उनमें कोई शेप भी नहीं होती थी और बहुत रफ रफ होते थे. आई विल इंसर्ट द पिक्चर इफ इट विल बी पॉसिबल, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मेसोलिथिक. मेसोलिथिक वो पीरियड था जब थोड़ा सा एनवायरमेंट में चेंज हुआ, ठीक है, जब एनवायरमेंट में चेंज हुआ थोड़ा सा, वो पीरियड कौन सा था, मेसोलिथिक. एनवायरमेंट में ऐसा चेंज हुआ कि थोड़ा सा गर्म होने लगा, पहले बहुत ठंडा होता था, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम पे इतना मौसम में चेंज नहीं था, ठंडा हुआ करता था, और मेसोलिथिक में एनवायरमेंट में चेंज हुआ, और जो
एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से क्या हुआ, जो थोड़े थोड़े फूड क्रॉप्स थे वो भी आने लग गए और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हंटर गैदरर्स को फूड के बारे में पता चली कि ऐसे इस सीजन में ये फ्रूट होता है, इसको हम खा सकते हैं, ये इनको मेसोलिथिक पीरियड में पता चला। और मेसोलिथिक पीरियड किसलिए भी इम्पोर्टेंट है, पैलियोलिथिक पीरियड में तो स्टोन थे लेकिन उनकी बहुत गंदी शेप थी और बहुत बड़े बड़े स्टोन थे, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में उन्होंने क्या करा, हंटर गैदरर्स से स्टोन को शेप देना स्टार्ट करा और वो जो स्टोन थे उनको छोटे छोटे अच्छे अच्छे टूल्स बना दिए, उनमें हैंडल लगा दिए, बोन के या वुड के हैंडल उनमें लगा दिए और उनको छोटी छोटी शेप दे दी, कोई नेल की शेप दे दी, कोई अलग, मतलब पहले से वो एक ही स्टोन था उनके पास बड़ा सा, बट मेसोलिथिक में उन्होंने अलग अलग शेप दे दी और अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टोन टूल्स बनाए। अब नियोलिथिक में उन्होंने क्या करा, अब जब उनको खाने के बारे में थोड़ा पता चला तो उन्होंने एग्रीकल्चर मतलब खेती करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया। मेसोलिथिक में भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया था, बट नियोलिथिक में पूरा एग्रीकल्चर आ गया। ठीक है, उन्होंने क्या करा, पूरा एनिमल्स को पालना स्टार्ट करा उन्होंने और खेती करना भी स्टार्ट करा था नियोलिथिक में। बट अभी तो हमें पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक 2 मिलियन पहले स्टार्ट हुआ था और 12,000 ईयर्स तक चला था। नेक्स्ट आपका मेसोलिथिक जो कि 12,000 ईयर्स के पहले स्टार्ट हुआ था और 10,000 ईयर्स तक चला था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द चैप्टर। सो पहले तो आपको चैप्टर में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इस छोटी सी स्टोरी में एक बच्चा है तुषार जो कि दिल्ली टू चेन्नई ट्रेवल कर रहा है अपने अंकल के साथ। तो जैसे तैसे उसको ट्रेन में सीट मिल जाती है, विंडो सीट उसे मिल जाती है और जैसे ही उसे विंडो सीट मिलती है वो क्या करता है, विंडो में जो ग्लास लगा होता है उसमें अपनी नोज चिपकाता है और जो बाहर की साइड में हाउसेस ट्रीज बिल्डिंग्स थी उनको देखना स्टार्ट कर देता है। उतने में उसके अंकल आते हैं और उसको बताते हैं, तुषार को बताते हैं, क्या तुषार तुम्हें पता है जो ट्रेन थी वो आज से सिर्फ 150 ईयर्स पहले बनी है। ठीक है, 150 ईयर्स पहले बनी है। तो तुषार सोचने लगा कि जो ट्रेन है वो 150 ईयर्स पहले बनी है तो उससे पहले के जो लोग थे यानी कि जो हंटर गैदर्स वगैरह थे वो कैसे ट्रेवल करते थे, वो यहां से वहां नहीं जाते थे, वो एक ही जगह पे रहते थे, वो कैसे ट्रेवल करते होंगे। सो दिस वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज जो अर्ली लोग हैं, जो अर्ली पीपल थे वो हमेशा यहां वहां क्यों चलते थे। सो सबसे पहले आपको हंटर गैदर्स की डेफिनेशन, वट इज हंटर गैदर्स, हंटर गैदर्स आर दोज पीपल हु लिव 2 मिलियन ईयर्स बिफोर। ठीक है, हु लिव टू। नाउ आर फर्स्ट टॉपिक इज द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, जो अर्ली लोग थे वो हमेशा यहां से वहां क्यों चलते रहते थे। But before that, we understand the definition of hunter-gatherers. Who are hunter-gatherers? Hunter-gatherers are those who used to live 2 million years before. Okay, जो 2 million years पहले रहते थे, उनको हम क्या बोलते थे? Hunter-gatherers and who used to move from one place to another in search of food and shelter. We call them as hunter-gatherers. But as the name suggests, hunter, तो वो सबसे पहले जो पैलियोलिथिक पीरियड में they don't have any vegetation. What they used to eat only animals. They kill animals and they eat animals only. ठीक है, but animals को मारना, hunt करना is not an easy task. कुछ animals जो छोटे होते हैं उनको तो वो इजिली मार सकते थे, बट कुछ एनिमल्स क्या होते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे, बहुत तेज भाग सकते थे। तो इसके लिए जो हंटर गैदरर्स थे उनको बहुत ज्यादा क्विक होना पड़ता था और बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता था ताकि वो एनिमल्स पे नजर रखे और जैसे ही वो भागे तो उनपे को हंट करके खा सके। और उसके बाद जब धीरे धीरे वेजिटेशन वगैरह का पता चला उन्हें तो उसके भी उनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि इनमें से कौन से एडिबल है और कौन से नॉन एडिबल है, मतलब कि कौन सी वेजिटेशन वो खा सकते हैं, किसकी उनको खेती करनी चाहिए, किसकी उन्हें खेती नहीं करनी चाहिए, तो उन्हें कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम के जो लोग थे उनके लिए जो लाइफ स्पेंड करना वो बहुत मुश्किल था। राइट, सो नाउ अवर नेक्स्ट टर्न द पेज। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन व्हाई हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ यू हैव टू टेल एनी 4 और दिस इज योर क्वेश्चन आंसर। ओके, सो यू हैव टू टेल 4 रीजन व्हाई द हंटर गैदर्स ऑलवेज मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हंटर गैदर्स थे वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, आपको 4 रीजन देने हैं। तो सबसे फर्स्ट रीजन क्या है, अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे, ठीक है, अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे तो वो वहां की सारी वेजिटेशन, वहां के सारे एनिमल्स को खा जाएंगे। राइट, तो जब एक जगह के एनिमल्स, एक जगह की वेजिटेशन वो खा लेते थे तो वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे, इसलिए वो हमेशा यहां से वहां मूव करते रहते थे। एंड द सेकेंड रीजन इज
जिन एनिमल्स को हंटर गैदरर्स खाते थे वो एनिमल्स भी किसी न किसी को खाते थे. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एन एग्जांपल. जैसे ये हंटर गैदरर्स खा रहे हैं टाइगर को एंड टाइगर खाता है सपोज कर लो गोट को, ठीक है. तो गोट अपने खाने के लिए अपनी घास के लिए आगे आगे को बढ़ती है. उसका पीछा कौन किसने करा? टाइगर का. टाइगर उसके पीछे पीछे चलता गया और टाइगर का पीछा किसने करा? हंटर गैदरर्स ने. तो इसलिए जो हंटर गैदरर्स थे वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, क्योंकि जिन एनिमल्स को वो खाते थे वो हमेशा चलते रहते थे. एंड द थर्ड रीजन इज, अब जो प्लांट्स वो खाते थे, जो फ्रूट्स वो खाते थे, जो वेजिटेबल वो खाते थे, अब वो भी सीजनल होती है, ठीक है. जैसे हम मैंगो, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एग्जांपल. मैंगो कौन से सीजन में होता है? समर सीजन में, राइट. तो सपोज अगर मैंगो, जिस जगह पे मैंगो हो रहा है वो उस जगह पे खाते थे, उस सीजन का फ्रूट खाते थे, फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे जहां पे उस टाइम पे वो फ्रूट लगता है. तो इसलिए भी वो मूव करते रहते थे अकॉर्डिंग टू द सीजन, ठीक है. जिस सीजन में जो वेजिटेबल फ्रूट होता था उस सीजन में खाते थे, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे. एंड द फोर्थ रीजन इज, जो हंटर गैदरर्स थे, वी ऑल नीड वॉटर टू सर्वाइव. एज यू ऑल नो दैट वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर 2-3 डेज, बट वी कांट लिव विदाउट वॉटर, ठीक है. हम पानी के बिना नहीं रह सकते, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो और ह्यूमन बींग्स हो. सो वी ऑल नीड वॉटर. और जो मेन सोर्स था वॉटर का उस टाइम पे, वो कहाँ पे हुआ करता था? नियर द रिवर, लेक एंड स्ट्रीम्स. अब वो जो रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स थी वो भी गर्मियों में या कोई सीजन में सूख जाती थी, तो उस जगह का पानी खत्म हो जाता था, तो वो नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट हो जाते थे. So these are the four reasons why the hunter gatherers always on the move. Now your next topic is, how do we know about these people? अब इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता कि वो कहाँ रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, why they always move? So how do we know about them? So we know about them archaeologists. हमें उनके बारे में कैसे पता? Archaeologists के through. और archaeologists, as I have told you earlier, archaeologists are those who study the human past. ठीक है, जो human के past की history करते हैं, history पढ़ते हैं, उन्हें हम archaeologists कहते हैं. अब archaeologists को कैसे पता? Archaeologists इसी चीज की study करते हैं. वो ऐसी जगहों पे जाते हैं, फिर उनको कुछ निशानी मिल जाती, कहते हैं हम अभी भी कहते हैं ना कि पुराने टाइम में गड्ढे से गड्ढा खोदा, उसके अंदर सोना मिल गया, एक्सेट्रा, इस टाइप की चीजें बोलते हैं. बट जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको उन लोगों की, हंटर गैदरर्स की कुछ निशानियां मिलती है, जैसे बोन्स, जो टूल्स वो यूज करते थे. एज आई हैव टोल्ड यू, स्टोन वो बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो स्टोन के कुछ टूल्स मिलते थे जिससे उनको पता चला उसके बारे में, ठीक है. तो जो हमें कैसे पता चला हंटर गैदरर्स के बारे में? थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट. और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे? साइट्स में जाते थे. साइट्स वो जगह होती है जहां पे निशानियां होती है, मतलब कि जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, गड्ढा खोद के या फिर यहां वहां चीजों को फेंक देते थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइट. तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज. तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली जो हंटर गैदरर्स यूज करते थे या फिर बनाई थी. इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन ऑफ स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट. तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि जो उस टाइम के लोग थे वो 3 टूल्स का यूज करते थे. सबसे पहला क्या था? स्टोन. सेकेंड है आपका वुड. एंड थर्ड वन इज बोन. और जो इसमें से सबसे देर तक चला, जो टिकाऊ था, जो अभी तक है, जो यूजफुल था, वो क्या था? आपका स्टोन, राइट. तो वो 3 टूल्स का यूज करते थे, स्टोन, वुड एंड बोन. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या था? स्टोन. इसलिए हम उस पीरियड को और किस नेम से जानते हैं? स्टोन एज. Now as you can see the picture here, there are some pictures of stone. As I have told you, जो सबसे पहली picture है वो कौन से period की होगी? Paleolithic. As I have told you ना, Paleolithic period में वो लोग क्या करते थे? बड़े बड़े stone थे और उसको कोई shape नहीं देते थे, बहुत rough stone होते थे. So this is the picture of Paleolithic period, right? तो ऐसे ही आपको, you can read this one column at the corner, stone tools A. These are example of the earlier stone tools. तो जो A वाला example है वो सबसे पहले के जो टूल थे, स्टोन का जो सबसे पहला टूल था उसका एग्जाम्पल है. बी, दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर. जो बी वाला है वो बहुत सालों बाद बना था, ठीक है. सी, दीज वर मेड लेटर स्टिल. और जो सी वाला है वो उसके भी बाद बना था. एंड डी, दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो. और जो डी वाले टूल्स है वो आज से 10,000 यानी कि नियोलिथिक पीरियड के टूल्स हैं. एंड जो ई है वो पेबल्स. पेबल्स आपने देखे होंगे, सिंपल गोल पत्थर होते ना, ये पत्थर हमें इजिली अभी भी अवेलेबल हो जाते हैं. So, some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hide animal skin, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make hearths and tools.
तो अभी जो स्टोन के टूल्स थे उनका वो क्या यूज कर, जो हंटर गैदर्स थे वो टूल्स का यूज कब करते थे, क्यों करते थे, वो क्या बोन्स को कट करने के लिए, मीट को कट करने के लिए, स्क्रेप बार्क का मतलब होता है जो ट्री की बाहर की जो लेयर होती है उसको निकालने के लिए, ठीक है, और जो एनिमल्स की स्किन होती है उसको सिलने के लिए, उसके कपड़े भी बनाते थे। एज यू नो दैट हंटर गैदर्स क्या करते थे, पहले से एनिमल्स की स्किन निकालते थे और उसके कपड़े वो पहना करते थे, तो उन कपड़ों को वो किससे सिलते थे, स्टोन टूल से, वो स्टोन के टूल को घिस के उसको निडल की तरह बना देते थे और उसी से सिलते थे। हंट करने के लिए वो स्टोन टूल्स का यूज करते थे, एरोज स्पीयर्स बनाने के लिए स्टोन टूल्स का यूज करते थे, और इन सब चीजों वुड को चॉप करने के लिए और वुड का यूज वो लेटर फायर के लिए करते थे, तो इन सब चीजों के लिए वो स्टोन का टूल यूज करते थे। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन।